नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के वीर जवानों की शहादत पर जौनपुर के सामाजिक संस्था स्क्वायर क्लब शाहगंज के लोगों गहरा दुख व्यक्त करते हुए घटना में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। बताया जाता है कि सिक्किम में एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के 16 जवान के शहीद होने की खबर मिलते ही जौनपुर के लोगों ने जवानों की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अरिफ मंसूरी ने कहा कि सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना में सेना के जवानों का निधन अत्यंत दुखद व पीड़ादायक है। भारत के वीर सपूतों को हमारी संस्था विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मेरी परमपिता परमेश्वर से गुजारिश है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये आज जो नॉर्थ ईस्ट में गैंगटोक में पहाड़ी के नीचे हमारे सैनिकों की जो बस खाई में गिरी, जिसमें हमारे काफ़ी सैनिक शहीद हुए, लगभग 16 सैनिक शहीद हुए हैं, उन सैनिकों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शाहगंज स्क्वायर क्लब की तरफ से किया गया, जिसमें हमारे सभी साथी हरिश्चंद भाई, देखिए बहुजन समाज पार्टी कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं आप, और अरशद भाई जो नगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, सभी पार्टी के लोग और सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग मिल करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर आरिफ नदीम, कैसा जो है आयोजन किया गया सभा में? आज देश के लिए दुख की घड़ी है। भारत माता की रक्षा करने वाले वीर सैनिक बस से जा रहे थे और वह बस गैंगटोक में खाई में पलट गई, जिसमें कि करीब 16 सैनिकों के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। यह बड़ी ही दुख की घड़ी है। हम उन वीर सपूतों को जो भारत माँ की रक्षा में लगे हुए थे, उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। पूरा शाहगंज नगर आज इस घटना से मर्माहत है, दुखी है। ईश्वर इन वीर सैनिकों की आत्मा को शांति प्रदान करे, उनको अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी हम लोगों की कामना है।